हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि निफ्टी बहुत स्ट्रांग लग रहा है मुझे और बैंक निफ्टी मुझे वीक लग रहा है। आज अगर आप देखो, निफ्टी ने एक बहुत बड़ा अप मूव दिया है और मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ क्या लॉजिक से। अगर आप देखो लास्ट 5 दिन का कैंडल जो है, ये आप देख सकते हो, ये 5 दिन का एक रेंज था और निफ्टी ने एक रेंज ब्रेकआउट दिया है, अभी एक स्मॉल रेंज ब्रेकआउट दिया है। सो यहाँ से मुझे लगता है 11,500 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। मे बी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक हमें देखने को मिले 11,500 एंड 11,600 तक भी जा सकता है। सो यहाँ से अभी निफ्टी में बुलिश व्यू होगा, बैंक निफ्टी थोड़ा आपके लिए ट्रिकी होगा क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी बेरिश है। बैंक निफ्टी 22,500 भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। आज भी अगर आप देखो निफ्टी 170 पॉइंट प्लस है, बैंक निफ्टी 270 पॉइंट प्लस है। तो थोड़ा सा आपके लिए मार्केट ट्रिकी होने वाला है। निफ्टी बुलिश रहेगा, बैंक निफ्टी बेरिश रहेगा। तो निफ्टी में आप 11,500 के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हो। कोई भी इंट्राडे डिप मिलता है 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है 11,500 के टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी अगर आप देखो 22,500 इंपॉर्टेंट लेवल होगा और इनफैक्ट अगर आप देखो ये एक बड़ा कैंडल था और इसने जस्ट ये लो तोड़ा, सबका सेल ट्रिगर लिया इसने और वापस ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है, ठीक है। सो ये जो बड़ा कैंडल है इसके बाद फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं आया है। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये बड़ा कैंडल के बाद फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं आया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है बैंक निफ्टी में। पॉसिबल है हमें एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी देखने को मिल सकती है। सो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा व्यू अभी कॉशियस रहेगा। आज मैंने भी शॉर्ट किया था 22,000 के अराउंड और 22,100 का मेरा स्टॉप लॉस था, 120 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था, वो मेरा ट्रिगर हुआ है। लेकिन स्टॉप लॉसेस आपको रखने पड़ेंगे ऐसे मार्केट में, अगर आप विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। सो स्ट्रिक्टली आप स्टॉप लॉसेस को फॉलो करो, जो लेवल्स दे रहा हूँ, जो स्टॉप लॉस दे रहा हूँ आप फॉलो करो। आई होप आपको समझ में आ रहा हूँ कि एक बड़ा रेड कैंडल के बाद फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं आ रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और हो सकता है हमें एक अपमूव देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में भी, जस्ट बिकॉज निफ्टी इज बुलिश। सो बैंक निफ्टी भी आपको थोड़ा बहुत अप मूव देखने को मिल सकता है। सो कल के सेशन में देखेंगे बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करता है। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में हैवेल्स दिया था 587 के नीचे सेल। आई एम श्योर आप लोगों ने हैवेल्स में काफी अच्छा पैसा बनाया होगा। मैंने आपको जुबिलेंट फूड भी सेल दिया था। जुबिलेंट फूड भी सेल ट्रिगर हुआ 1675 पे और उसके बाद 1662 तक जाके आया है। मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो था वो ट्रिगर हुआ है, इसमें भी ऑलमोस्ट 3-4 रुपए का प्रॉफिट मिला है मुझे। और एक और स्टॉक था एमजीएल, एमजीएल में भी आपको प्रॉफिट मिला होगा। मैंने जो सेल दिया था 999 के नीचे, उसके बाद ये 991 तक जाके आया है, इसमें भी आपको प्रॉफिट मिला होगा। तो जो मैंने आपको तीनों ट्रेड दिए, तीनों में आपको प्रॉफिट मिला होगा अगर आपने प्रॉपरली राइट टाइम पे एग्जिट किया है। खाली एक जुबिलेंट थोड़ा सा एग्जिट पार्ट थोड़ा ट्रिकी था, बाकी एमजीएल और हैवेल्स में आपको डेफिनेटली अच्छा पैसा आया होगा। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स कल के सेशन में कौन से स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहला स्टॉक होगा एनआईटी टेक। एनआईटी टेक अगर आप देखो एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड स्टॉक है और मुझे लगता है आईटी सेक्टर में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक ये है इंफोसिस और टीसीएस के बाद। और मुझे लगता है यहाँ से 1900-1950 तक के लेवल्स हमें इजिली देखने को मिल सकते हैं। रिजल्ट के बाद मुझे लगता है ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं 1950 तक। तो आज का जो हाई है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, अगर आज का हाई क्रॉस कर लेता है तो डेफिनेटली 1900 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, ऐसा कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, बिकॉज रिजल्ट है इसका। लेट्स सी ये कहाँ पर ओपन होता है कल के सेशन में, बट मैं इसमें बाइंग की तरफ ज्यादा फोकस रखूंगा। कौन से लेवल पे बाय करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। एंड नेक्स्ट स्टॉक होगा अमर राजा बैटरी। अमर राजा बैटरी भी अगर आप देखो, अमर राजा बैटरी में मैं आपको एक सिंपल लॉजिक समझा रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा मैं आपको लर्निंग पॉइंट में आपको समझा रहा हूँ। ये एक आपको रेड कैंडल दिख रहा होगा, उसके बाद एक स्मॉल ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद प्राइसेस क्या हुआ, अप हुआ, करेक्ट। इस पैटर्न को बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न, ठीक है, बुलिश हरामी पैटर्न। और आज का भी अगर आप पैटर्न देखो तो ऑलमोस्ट सेम है, एक रेड कैंडल है फिर एक स्मॉल ग्रीन कैंडल बनाया है, ये रेड कैंडल का लो नहीं तोड़ा है। और अगर यहाँ से मोमेंटम मिलता है, फॉलो थ्रू बाइंग मिलता है, तो डेफिनेटली यहाँ से एक अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। तो अमर राजा भी काफी अच्छा बाय रहेगा, कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। एंड लास्ट स्टॉक होगा क्यूमेंस इंडस्ट्रीज। क्यूमेंस इंडस्ट्रीज भी मुझे काफी अच्छा बाय लग रहा है और राउंड ऑफ नंबर के ऊपर क्लोज हुआ है 400 के ऊपर। और अगर आप सेटअप देखो इसका, यहाँ से एक फॉल आया था, धीरे धीरे ये लेवल पे यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ
420 तक एक बार रीटेस्ट कर सकता है 420 तक, तो इसमें आपको 10-15 रुपए का अपमूव देखने को मिल सकता है। तो क्यूमिंस इंडस्ट्रीज भी काफी अच्छा बाय रहेगा, कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। और आज मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको सब्सक्राइबर भी अभी दिखेंगे, क्योंकि शायद इतने दिन सब्सक्राइबर नहीं दिख रहे थे, तो आपको आप देख सकते हो कि मेरे चैनल पे कितने सब्सक्राइबर्स हैं। और अगर आपको लगता है जनरली कि मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर ज़्यादा होने चाहिए, तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।